गुड मॉर्निंग एवरीवन। भाई आज मैं पता नहीं कितने सालों बाद सुबह सुबह उठा हूँ और मैंने सोचा और कोई काम है नहीं तो चलो आई एम जोकिंग। भाई सुबह मैं नहीं उठा, मतलब मैं तो नॉर्मली सुबह ही उठता हूँ, मजाक कर रहा था मैं। तो भाई यहाँ पे गेम में असल में सुबह का टाइम हो रहा है तो इसलिए मैंने गुड मॉर्निंग बोल दिया। ठीक है, ओके जी। तो वापस आ चुके हैं। अबे यार ये मैं क्यों लाइन बोलता हूँ कि हम वापस आ चुके हैं? भाई हमने यही गेमें खेलनी है तो वापस आना मतलब क्या है? पहले कौन सा हम जो है वो कहीं पे गए हुए थे? ओके, सो बैक इन FS20। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने अभी भी कॉटन चैलेंज के ऊपर जो है कॉटन बेल्स चैलेंज उसके ऊपर गिव अप नहीं किया है, तो वो हमारा साथ ही साथ चल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको जैसा कि पीछे थोड़ा सा है, एक मिनट। तो यहाँ पे कॉटन बेल्स चैलेंज जो है वो मैंने आपको बोला था कि वो भी अभी ख़त्म नहीं हुआ तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी दिन दुगनी और रात चौगनी बेल्स जो हैं वो कॉटन की यहाँ पे जमा हो रही हैं। तो अगर किसी को इस चीज़ की समझ ना आई हो तो दिन दुगनी रात चौगनी मतलब दिन को दुगनी और रात को चार गुना बेल्स जो हैं वो यहाँ पे हम स्टॉक कर रहे हैं। कुछ यहाँ पे जमा हो रही हैं, ठीक है, आपकी आंखों के सामने हैं। कुछ यहाँ पे स्टॉक हो रही हैं हमारी कॉटन बेल्स और कुछ जो हैं वो अभी यहाँ पे भी हैं, दो इसके अंदर भी हैं। कहाँ पे गई? ओके, तो इसको भी रीसेट कर लेते हैं हम यहाँ पे। वेयर इट इज़, अभी सेलेक्ट नहीं हो रही। अबे क्या सीन चल रहा है ये? ओके, अबे व्हाट द हेल। ओके, तो ये हो गया है जी हमारा, तो और बेल्स का एडिशन हो चुका है। तो बेल्स तो भाई यहाँ पे कॉटन बेल्स बन रही हैं और साथ ही साथ जो है वो हम यहाँ पे बना रहे हैं, मतलब दूसरी क्रॉप्स भी हमने जो है वो प्लांट करना शुरू कर दी हैं। और अभी मैंने लास्ट गेम प्ले में आप लोगों को बोला था कि भाई हम लोग जो है वो अगले गेम प्लेज में देखेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है हमने अपनी काउस का जो है वो कुछ किया नहीं है। अब यार एक तो ये ट्रक एकदम छक्का है, भारी है, और इसको पता नहीं बेल पुश करने में क्या है, 500 हॉर्स पावर है इसकी। ओके, तो अभी हम चेक कर लेते हैं जी अपने एनिमल्स का स्टेटस। तो यहाँ पे स्ट्रा ख़त्म है, ये ख़त्म होने वाला है, ग्रास और वाटर जो है वो भी मतलब के काफ़ी ज़्यादा लो है। तो अभी हम सबसे पहले अपने इस ट्रक में बैठते हैं, ठीक है, और अपनी काउज के लिए जो है वो वाटर प्रोवाइड करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और इस ट्रक में बैठ के यहाँ पे हमारा वाटर टैंक भी एक पड़ा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ओके, हियर वी गो। तो आराम से अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा रियलिस्टिक ड्राइविंग करूँ। ओके, हियर वी गो। अभी इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे क्लोजेस्ट मेरे ख्याल से वो सामने वाला ही है, वाटर का जो है वो टावर, ठीक है। इनको चाहिए था शीप के फार्म के ऊपर एक रखा हुआ है, और काऊ जो है वो शीप से बड़ा एनिमल है तो वहाँ पे कोई रखा ही नहीं। तो भाई जायंट्स वालों के लॉजिक पे भी, अबे यार ये ट्रक है ना, पता नहीं इसके सॉरी इसके आगे वाले टायर ये देखो ऐसे उठ जाते हैं, और ये जो है वो फिर मुड़ता भी नहीं है शहजादा। अरे भाई मुड़ जा मुड़ जा मुड़ जा मुड़ जा। ओके, तो मुड़ गया है जी यहाँ पे, और इसमें ज़्यादा पानी भरूंगा नहीं क्योंकि फिर बाद में यू नो कि एक प्रॉब्लम होती है ज़्यादा पानी से, तो फिर बाद में जो है वो रीसेट करना पड़ता है ट्रेलर, इसलिए भैया ज़्यादा पानी हम इसमें भर नहीं सकते। तो लेकिन इतना थोड़ा भी नहीं रखूँगा पानी, ऑफ कोर्स हमारे पास काउस जो है वो ज़्यादा हैं तो इतना कम पानी भी अभी नहीं चाहिए। अभी मेरे ख्याल से ज़्यादा चुप, ओह नो मेरा ट्रेलर स्टक हो गया अभी यहाँ पे। ओके, तो अभी यहाँ पे बहुत है, आधा टैंकर जो है वो हम यहाँ पे भर चुके हैं, ठीक है। मेरे नहीं ख्याल के ये सारे का सारा कंज्यूम, अभी कितना लंबा ट्रक है ये तो मुड़ ही नहीं रहा। ओके, यहाँ पे जल्दी से मोड़ देते हैं इसको। ओके जी, तो अभी हम रोड्स को फॉलो कर ही रहे हैं, गलती कर ही ली है रोड्स को फॉलो करने की, तो वी आर रोड ही चलते हैं। इसके बाद जी हमने जो है वो अपनी काउस के लिए जो होता है ना वो क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रा स्ट्रा जो है वो फुलफिल करना है, और स्ट्रा की रिक्वायरमेंट। अबे शाम हो रही है यहाँ पे, मेरे को क्यों लगा था कि सुबह हो रही है गेम में। खैर कोई बात नहीं। ओके, हियर वी आर ऑन दी काउ फार्म। तो लेट्स सी कि कितना पानी अनलोड होता है, थोड़ा सा वेट करके देख ही लेते हैं। सारा तो नहीं होगा ये तो गारंटी है, क्योंकि हमने मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा भर लिया है पानी, अबे हो ही ना जाए। ओके
तो थोड़ा सा यहाँ पे रह गया है पानी। तकरीबन हम जो है वो पूरा सूरा ही लेके आए थे पानी। तो वाटर, ओ भाई 24,000 लीटर, व्हाट द हेल। तो 24,000 लीटर चाहिए अभी यहाँ पे। ये हमारे पास एक ट्रैक्टर है फारी खड़ा हुआ है, इसको हम जो है वो अभी नहीं, पहले हम चेक कर लेते हैं कि जी क्रॉप का हमारा स्टेटस क्या है। तो फील्ड नंबर 5, 6 के ऊपर हमने गालबन और 7 के ऊपर यहाँ पे जी प्लांटेड है हमारे सनफ्लावर। और आप देख सकते हैं कि ये फील्ड जो है वो इतने अच्छे से ग्रो नहीं हुए हैं अभी, बल्कि थोड़ा सा एक जो फील्ड नंबर प्रोबेबली जो सिक्स है उसका थोड़ा सा एक पोर्शन जो है वो रेडी टू हार्वेस्ट है, जबकि बाकी जो है वो डेफिनेटली इट्स नॉट रेडी टू हार्वेस्ट। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो है वो, ओके, वेरी टेरिबल ड्राइविंग बाय मी। तो अभी हम जो है वो यहाँ पे लेने जा रहे हैं जी स्ट्रॉ। अभी इस तरफ से ही जाना चाहिए था ना मेरे को। तो यहाँ पे 2 बेल्स स्ट्रॉ की कीमत तुम क्या जानो। ओके, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से अभी हमें स्ट्रॉ भी जो है वो दोबारा, अबे यार ये क्या बकवास ही ग्लिच है। लो अबे 2 बेल्स आती हैं इसमें। ओके आ गई, तो ये हम जी लेके जा रहे हैं स्ट्रॉ। और स्ट्रॉ का मैं बोल रहा था कि स्ट्रॉ बेल हमारे पास कम पड़ रही हैं, तो अभी हमें स्ट्रॉ बेल जो हैं वो भी बनानी पड़ेंगी, ठीक है। और यहाँ पे हम खड़ा कर देते हैं जी इसको, ये खुद ही जो है वो अनलोड करता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ हमें करनी है वो है डेफिनेटली हमें जो है वो यहाँ पे ग्रास मूव करना है थोड़ा सा। वैसे तो यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि ये आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास हे बेल्स पड़ी हुई हैं, लेकिन मज़ीद हे बनाने में कोई नुकसान नहीं है, ये तो इमरजेंसी के लिए पड़ी हुई है ना। तो यहाँ पे अभी हमें अगर मज़ीद सपोज हे बेल्स बनानी हो, मतलब हे जो है वो अभी डेफिनेटली काउज जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम कर रही हैं। लो जी हमारा वहाँ पे सनफ्लावर वाला फील्ड तो जी रेडी टू हार्वेस्ट है। ओ भाई ये क्या, कहाँ पे मैं ले आया। चलो जी हो जाओ भी शुरू। तो यहाँ पे हेल्पर हायर कर दिया है हमने, और यहाँ पे सनफ्लावर का जो फील्ड है वो रेडी टू हार्वेस्ट। अबे नहीं हुआ यार, अभी तो इसकी एक स्ट्राइप ही जो है वो रेडी टू हार्वेस्ट हुई है। खैर चलो देखते हैं कि क्या बनता है। और ये हमारे पास जी लैक्सियन की हार्वेस्टर है, इसको यूज़ करते हुए मुझे लगा था कि हमने कॉटन बेल्स का जो चैलेंज है उसको इतना ड्रैग कर दिया है कि आप लोग भूल ही गए होंगे कि मेरे पास कौन कौन सी हार्वेस्टर्स वगैरह हैं। तो ये भी मतलब डेफिनेटली इसलिए भी जो है मैंने सोचा कि कोई बात नहीं यार, अभी हम हर वक्त जो है वो कॉटन कॉटन ही नहीं कर सकते। यहाँ पे मीनवाइल मैं अपने हेल्पर्स को जो है वो चेक कर लेता हूँ। अबे यार ये हार्वेस्टर मैंने कब से यहीं पे खड़ी कर रखी है, तो इसको भी कुछ करते हैं भाई। ओके तो इसको लेके चलते हैं, पहले इसको वॉश करवा लेते हैं हम, क्योंकि ये काफ़ी गंदी हो रखी है, फिर जो है वो हम इसको लेके चलेंगे। तो यहाँ पे वैसे बेस्ट तरीका अगर देखा जाए तो इस हार्वेस्टर को ट्रांसफ़र करने का यही है कि आप इसका हेडर जो है वो अलग करके लेके जाएं। लेकिन क्योंकि अभी यू नो के आप लोगों ने भी देखा ही है वो लो लोडर जो है वो कितना मतलब कि अजीब ही है उसका हिसाब किताब, ना मेरी समझ से बाहर है। तो प्रोबेबली आई विल नेवर यूज़ दैट, मैं शायद कभी भी इसको यूज़ ना करूँ। लेकिन ये भी हो सकता है कि भाई उसको कहीं पे यूज़ करना पड़ ही जाए। तो अभी हम लोग इसको जो है वो पार्क कर देते हैं इसकी अपनी जगह के ऊपर, ठीक है। कहाँ पे है भाई फारिग जगह, थोड़ी सी यहाँ पे लगती है भाई, यहाँ पे तुन वो न देते हैं इसको कहीं पे। ओ भाई ये क्या ऐड में कर रही थी यार हार्वेस्टर यहाँ पे। ओके मेरे ख्याल से इसका हेडर हमें जो है वो अलग कर लेना चाहिए, बिकॉज इट रियली मेक सेंस, काफ़ी लंबा है और जगह आगे से जो है इसने काफ़ी ब्लॉक कर रखी है। तो हेडर अलग हो गया, अभी हम हार्वेस्टर को यहाँ पे खड़ा कर देते हैं कहीं पे भी, ठीक है। ओके अभी जो है वो हम, अभी यार शिट अच्छा मैंने हेल्पर्स को चेक करना है, वो टास्क वास्क जो है वो ख़त्म किए जा रहे हैं धड़ाधड़, तो लेकिन टाइम नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे अभी हम इस ट्रैक्टर को लेके चलते हैं, वहाँ पे 2 फील्ड जो है वो हमने कर लिए हैं, तकरीबन हार्वेस्ट हुए पड़े हैं वो, और उसके ऊपर हमने जो है वो क्रॉप को प्लांट करनी है। लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल रहा अभी तक कि उसके ऊपर जो है वो कुछ प्लांट कर सकूँ। तो फिलहाल इस वाले को तो
ये वाला जो है हमारा सीडर, ये तो इसको तो मैं डेफिनेटली नहीं यूज़ करूँगा भाई। ये एक तो जो ये जो छोटे फील्ड्स हैं काउ फार्म के साथ वाले, ये जो है वो अजीब ही किस्म का, इनमें बग्स और ग्लिच आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इसको, मतलब यहीं पे हम पार कर देंगे और इसकी जगह पे मैं यूज़ करूँगा फोर्ज का प्रोंटो। कहाँ पे है ये खड़ा है? तो अभी इससे पहले कि हम, ओ यार शिट, क्या कर रहा हूँ यार मैं यहाँ पे। असल में इसमें मेरा कसूर नहीं है, ये ट्रैक्टर मिस्टेकनली मेरे से जो है वो मतलब मेरी मिस्टेक नहीं है, ये ट्रैक्टर खुद ही जो है वो यहाँ पे ही हेड में कर रहा था। ओके तो हियर वी गो वन मोर टाइम। इसको अच्छे से जो है वो यहाँ पे पार कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही पीछे ले गया मैं। और ये रहा जी हमारा हॉर्स का प्रोंटो। अब ये वाले जो फील्ड्स हैं इसके ऊपर हम कॉटन प्लांट नहीं करेंगे, इनके ऊपर जो है वो हम नॉर्मल ही जो है वो हमारी जो फार्मिंग की क्रॉप्स वगैरह होती हैं वही प्लांट करते रहेंगे बार बार। ठीक है, यहाँ पे हमें अब, मैं मतलब के टू बी ऑनेस्ट आई एम अ लिटिल बिट फेड अप। अब क्योंकि हमारे पास कॉटन जो है वो मतलब स्ट्रा जो है वो थोड़ा सा कम हो रहा है, आई जस्ट रियलाइज। तो यहाँ पे जो है वो मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा ओट्स प्लांट कर दूँ। और अब यहाँ पे मैं देखूँगा, अबे यार बस ठीक है ना, रुक जा भाई यहीं पे ही रुक जा। और यार पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये आज क्रॉप्स क्यों नहीं ग्रो कर रहे। ओके तो ये वाले हेल्पर ने भी भैया यहाँ पे काम ख़त्म कर लिया है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये वाला हेल्पर नहीं थे, ये वाले हेल्पर थे। तो ये तो हो गए हैं जी यहाँ से फारिग। तो इन हार्वेस्टर को अभी हम यहाँ पे ले चलते हैं अगले फील्ड में। अभी तक मेरे पास सिर्फ दो कॉटन हार्वेस्टर्स हैं। ओहो शिट, अबे यार ये बेल यहाँ पे पड़ी कैसे रह गई। चलो इसको यहीं पे कहीं पे ड्रॉप ऑफ कर देते हैं। ओके ये हो गई जी यहाँ पे ड्रॉप ऑफ। अब इसको ध्यान से जो है वो, ये हमारी जी कॉटन ग्रो कर रही है तो इसको हम जो है वो यहाँ पे रख देते हैं। और सिमिलरली वी विल डू द सेम थिंग विद दिस हार्वेस्टर एज वेल। तो इसको भी हम जो है वो यहाँ पे उस दूसरे वाले फील्ड के सामने जो है वो लेके चलते हैं। और यहाँ पे रात जो है वो होपफुली गुजर चुकी होगी, तो इसको फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे खड़ा कर दूँगा और आई विल स्विच। अबे इस हेल्पर को क्या हो गया? अच्छा देखते हैं क्या हुआ है। फ़िलहाल के लिए मैं जल्दी, ओ शिट क्या मुसीबत है यार। ओके तो ये वाला हेल्पर हमारा फारिग है। और हमने, क्योंकि अभी हमने डिसाइड किया था कि ये वाला फील्ड और एक इसके अलावा ये जो मतलब सबसे बड़ा फील्ड और जो सेकंड लार्जेस्ट फील्ड है इसके ऊपर हमने जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉटन ही प्लांट किया करनी है। तो अभी हम चलते हैं और इस वाले हेल्पर को जो है वो सेकंड लार्जेस्ट फील्ड के ऊपर हेल्पर जो है वो हम हायर करेंगे यहाँ पे, और ताकि जो है इन दोनों फील्ड्स के ऊपर हम लगातार जो है वो कॉटन प्लांट करते रहें विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है तो इसको अभी सीधे रास्ते से ही ले जाते हैं। फिर बहुत से लोग कहते हैं कि भैया तुम्हारी ड्राइविंग जो है वो यू सक एट ड्राइविंग। काफ़ी अच्छा काम खींच रहा है ये केस वाला ट्रैक्टर भी। अच्छा ये जो बड़े फील्ड है ना, यहाँ पे आप इजीली बड़े बड़े टूल्स जो है वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन दिस सेम थिंग डज नॉट अप्लाई इफ़ यू आर यूजिंग दीज टूल्स। जो छोटे फील्ड्स हैं अगर आप वहाँ पे ये वाले टूल यूज़ करोगे तो फिर डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है। और हेल्पर जो है वो जगह छोड़ देते हैं साइड पे, एजेस पे जगह छोड़ देते हैं, ठीक है कल्टिवेट भी नहीं करते। और हार्वेस्टर के साथ भी तकरीबन सेम ही सीन है। तो हार्वेस्टर्स जो है वो भी पता नहीं उनके फील्ड्स के अंदर प्रॉब्लम है या प्रोग्रामिंग हेल्पर्स की जो है प्रोग्रामिंग उसके अंदर प्रॉब्लम, आई हैव नो आइडिया। लेकिन भैया प्रॉब्लम कहीं ना कहीं पे तो है। अच्छा यहाँ पे ये वाला हेल्पर भाई, अबे तू क्यों रुक गया था भाई? यहाँ पे बाकी किसने हार्वेस्ट करना, मूव करना है ये? ओके अरे तू पहले रुका क्यों था अभी? अजीब ही है यार ये भी। तो ये मेरे ख्याल से दो दो दफ़ा ग्रास इसके ऊपर हम मूव कर चुके हैं, तो अब मैं तीसरी दफ़ा नहीं मूव करूँगा क्योंकि फिर जो है वो ग्रास थोड़ा सा पिक करना जो है वो उसको प्रॉब्लम होती है। तो अभी मैं तीसरी दफ़ा जो है वो यहाँ पे ग्रास मूव नहीं करूँगा। अभी हम इसके ऊपर यूज़ करेंगे जी टेडर, ठीक है। और टेडर यूज़ करने के बाद, विंड्रॉ यूज़ करने के बाद इस वाले हे को जो है वो कलेक्ट करके हम डायरेक्ट अपनी काउस को जो है वो फीड कर देंगे। इसकी बेल्स नहीं बनाएंगे बिकॉज़ यू नो बेल्स इज़ मेकिंग बेल इज़ अ लिटिल बिट लेंथी प्रोसेस, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग का प्रोसेस है वो, तो वो मैं नहीं चाहूँगा कि बनाऊँ क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कुछ पड़ी भी हुई हैं।
हे बेल्स, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने ग्लास बेल्स भी हैं, हे बेल्स भी हैं। तो हे की हमें इतनी कोई मतलब कि अशद ज़रूरत भी नहीं है बेल्स की, लेकिन ये वाला जो है वो अभी हम डायरेक्ट, ये रहा हमारा टेडर, तो इसको हम पहले टेडर यूज़ कर लेंगे, फिर जो है वो इसके ऊपर विंड्रॉवर यूज़ करते हुए इसको हम डायरेक्ट कलेक्ट करके डायरेक्ट जो है वो फीड भी कर देंगे। तो यहाँ पे दिन का उजाला शुरू हो चुका है, दिन चढ़ना शुरू हो चुका है, और होपफुली अभी जो है वो हमारा जो बाकी की क्रॉप्स जो अभी तक रेडी टू हार्वेस्ट नहीं हुई थी वो भी हार्वेस्टिंग के करीब हो जाएंगी, मतलब रेडी टू हार्वेस्ट हो जाएंगी। उसमें सनफ्लावर के 2-3 फील्ड थे, 2-3 सोयाबीन्स के फील्ड थे, तो वो भी हम जो है वो यहाँ पे हार्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। तो अभी यहाँ पे क्योंकि हम इसको ग्रास को हे में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहूँगा कि यहाँ पे मैं कहीं पे भी जो है वो ग्रास का कोई पैच छोड़ दूँ, क्योंकि फिर वो ना बाद में प्रॉब्लम करता है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे थोड़ा सा हे पड़ा हुआ था, तो वहाँ पे जो है वो ग्रास शो नहीं हो रहा, तो इसी तरह से यहाँ पे हे पड़ा होगा वहाँ पे फिर ग्रास जो है वो प्लेस नहीं हो सकता, क्योंकि एक टेक्सचर के ऊपर आप दूसरी चीज़ जो है वो प्लेस नहीं कर सकते। और यही वो ट्रिक है जो मैं यूज़ करता हूँ काउस काओ फार्म के फीडिंग ट्रॉफ को नीट एंड क्लीन रखने के लिए फार्मिंग सिमुलेटर 19 पीसी वाली गेम में। और यहाँ पे तो भाई इस तरह का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है काओ का पेन वगैरह जो है वो क्लीन करने की, तो यहाँ पे तो यू नो यू आर वेरी फ्री फ्रॉम सच टाइप ऑफ थिंग्स। लेकिन वो तो भाई थोड़ी सी रियलिस्टिक गेम है, तो वहाँ पे जो फीडिंग ट्रॉफ है काउस का उसको आपको क्लीन करके रखना पड़ता है, वरना काउस की जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा उससे मुतासर होती है। और प्रोडक्शन में उनकी डेफिनेटली मिल्क प्रोडक्शन भी है और बर्थ रेट भी है, जो कि न्यू काउस जो है वो कितने टाइम में प्रोड्यूस होंगी वो भी जो है वो डेफिनेटली डिस्टर्ब होता है अगर आप उसको काउ पेन को साफ नहीं रखते। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पैच है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है वो प्रॉब्लम कर रहा था यहाँ पे, तो अभी इसलिए जो है वो मैं मैनुअली यूज़ कर रहा हूँ। तो अब विंड्रॉवर जो है वो मैं मैनुअली यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि मैं कहीं पे जो है वो हे जो है वो उसको छोड़ दूँ, लेफ्ट आउट कर दूँ। तो यहाँ पे एक जो बंदे ने ट्रिक भी अप्लाई की थी, उसने बेसिकली हे रख छोड़ी थी ग्रास के ऊपर ऐसे ही, और फिर जब ग्रास उगा तो उसने उसको मूव करना स्टार्ट किया। डेफिनेटली एक टेक्सचर के ऊपर दूसरा प्लेस नहीं हो सकता। अब यार बारिश, शिट बारिश शुरू हो गई है, ये भी एक प्रॉब्लम ही है। अब पता नहीं इससे कब जान छूटेगी। चलो कोई बात नहीं, हम पहले भी ऐसा ही काम कर रहे थे जिसके साथ जो है वो बारिश का होना ना होना कोई ज़रूरी चीज़ नहीं थी। तो बारिश से तो हमें तकरीबन जो काम अभी हम कर रहे हैं उसकी इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बारिश अगर आ गई है तो वी आर नॉट इन ट्रबल एनीमोर। लेकिन जो हमारी क्रॉप्स अगर रेडी टू हार्वेस्ट हो गई तो डेफिनेटली उनका जो है फिर थोड़ा सा पीरियड चेंज हो जाएगा हमारा, क्योंकि अभी शायद वो मॉर्निंग टाइम पे रेडी टू हार्वेस्ट होनी थी, लेकिन अब तो नहीं हो सकती क्योंकि अब तो बारिश शुरू हो चुकी है। ओ भैया बारिश शुरू हो चुकी है अबे। और ये रहा जी हमारा विंड्रॉवर, ठीक है, तो इसको अभी हम कनेक्ट करते हैं अपने ट्रैक्टर के साथ। ये वाला ट्रैक्टर मेरे पास शुरू गेम से है, जब से मैंने ये गेम इस सीरीज़ में खेलना शुरू किया उस वक्त से। अब इसकी प्राइस इतनी डाउन हो चुकी है कि इसको सेल करना मेरे लिए सरासर घाटा है। तो वैसे भी ये ट्रैक्टर काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी काम का है, तो ये भी नहीं है कि एम एफ आर सा ट्रैक्टर नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, और काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर है ये। तो इसको जो है वो मैं तब से जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ करूँ। मेरे ख्याल से ये ट्रैक्टर जो है वो पता नहीं मैं अपनी गेम प्लेस में कितनी दफ़ा बता चुका हूँ, दिस ट्रैक्टर इन डीड इज़ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ट्रैक्टर। तो अगर आपको जो है वो कम पैसों में ज़्यादा हॉर्स पावर चाहिए, दिस इज़ द ट्रैक्टर, गो विथ दिस ट्रैक्टर। कोशिश करूँगा मैं थोड़ी सी यहाँ पे लाइनें जो है वो थोड़ी सी क्लीन सी रखूँ। अब यहाँ पर ये देखो थोड़ा सा हे जो है मेरे से छूट गया है, तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा इसको जो है वो लोडिंग वैगन के साथ मैनुअली बाद में पिक भी कर लूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ पर रह जाता तो वो बड़ा जो है वो एक गंदा सा इफेक्ट आता है। यहाँ पर भी थोड़ा सा रह गया, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरी टेरिबल ड्राइविंग नॉट अ बिग डील। ओ भाई ध्यान से, ये छोटा है मेरे ख्याल से, अभी हम इतने मतलब तो हो ही गए हैं कि एक बड़ा विंड्रॉवर ख़रीद सके। तो मेरे ख्याल से अगली चीज़ें जो हमें अपग्रेड करनी चाहिए वो होंगी जी ये हमारा टेडर और विंड्रॉवर, और हो सकता है
वैसे मैं करूँगा तो नहीं, लेकिन मेरा थोड़ा सा प्लान बन रहा था कि हम जो है वो सेल्फ प्रोपेल्ड मोवर भी बाय कर लें, थोड़ा सा बड़ा होता है वो। लेकिन वो ये है कि फिर मैंने व्हीकल्स जो है वो स्विच करनी होती हैं बटन प्रेस करके, तो फिर उसमें ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा व्हीकल हैं, एक और व्हीकल ऐड अप हो जाएगी तो फिर स्विच करने में डेफिनेटली व्हीकल टाइम लगा करेगा काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे मेरी प्रायोरिटी यही है कि मैं जितनी पॉसिबल हो सके उतनी जो लाइनें हैं वो नीट एंड क्लीन रखूँ, बट लेट्स सी कि कितना सक्सेसफुल होते हैं। तो अभी मैं टाइम जो है वो भी नहीं स्लो कर सकता बिकॉज़ बारिश हो रही है, इससे भी तो जान छुड़ानी है हमने। ओके, तो यहाँ पे मैं थोड़ी थोड़ी जो है वो मेस क्रिएट कर रहा हूँ एजिस पे, लेकिन प्रायोरिटी मेरी अभी भी यही है कि जो एटलीस्ट लाइंस जो है वो बाद में वो मैं सही से अच्छे से नीट एंड क्लीन किस्म की लाइंस जो है वो बनाऊं और इसमें कोई किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। तो एक मेरे ख्याल से लाइन और बनेगी, देन वी आर डन हेयर। और ये जो हेल्पर है ना, ये जो साइड के ऊपर है या ग्रास जो भी चीज़ पड़ी होती है, इसको ये हाथ भी नहीं लगाता है, तो इस वजह से भी मेरे को ना थोड़ी सी होती है कि यार ये काम मेरे को खुद मैनुअली कर ही लेना चाहिए था। ओहो, अभी क्या करें, यहाँ पे एक साइड से पिक करें तो दूसरी साइड से रह रहा था, तो कोई बात नहीं, दिस इज़ द लास्ट टाइम। अगले एपिसोड में तो डेफिनेटली हम जो है वो अपना ये विंड्रो और टेडर और शायद शायद मूवर जो है उसको अपग्रेड कर लें, तीनों चीज़ों को। ओके जी गाइस, तो अभी यहाँ पे बारिश हो शुरू होनी शुरू हो गई है, तो ज़्यादा काम तो बचा नहीं है, तो आई जस्ट थिंक के दिस इज़ द पॉइंट टू एंड दिस गेम प्ले, और आई जस्ट होप कि आप लोगों को गेम प्ले पसंद आया होगा। अगर कोई भी किस्म की सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, बाय।